पूरा केस हुआ शीशे की तरह साफ। उस डॉक्टर की दोस्त ने दिया अपने दोस्त को धोखा। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों को भी छेड़ता था संदीप घोष। एक पुरुष नर्स ने लगाया था संदीप घोष के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप, जिसकी वजह से हांगकांग की अदालत तक पहुंच गया था मामला। लेडी डॉक्टर के साथ गंदा काम करने वाले दरिंदों की सारी करतूतें आई सामने। एक नहीं, दो नहीं बल्कि पांच से भी ज्यादा दरिंदों ने डॉक्टर के साथ किया था गलत काम। सीबीआई के हाथों लगा ऐसा सबूत जिससे ममता बनर्जी भी आ गई खतरे में। दोस्तों, इस पूरे केस में जो तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, उन तमाम खबरों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो से एंड तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले उस लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में #justice जरूर लिखें और ये भी बताएं कि ऐसे दरिंदों को कौन सी सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये जो दावा शुरू से किया जा रहा था, अब ये दावा सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे सबूत सामने आ गए हैं जिससे ये केस पूरी तरीके से पलट गया। संदीप घोष और संजय रॉय के साथ साथ अब सीबीआई की नजर हॉस्पिटल के एक और जूनियर डॉक्टर पे पड़ी है, क्योंकि वो जूनियर डॉक्टर भी उसी टूटे हुए बाथरूम में नहाने गया था और उसके कपड़ों पर के धब्बे भी लगे हुए थे। और वो के धब्बे किसके थे उसने ये बात खुद बताई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक वो जूनियर डॉक्टर वहाँ पे सुबह नहाने गया था उसी दिन जिस दिन लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि वो जो जूनियर डॉक्टर था उसे हॉस्पिटल की ही नर्स जानती तक नहीं थी। इसीलिए नर्स ने उस जूनियर डॉक्टर से ऐसा पूछा कि आप कौन हो और कहां जा रहे हो, जिसके बाद उस जूनियर डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मैं बेड नंबर 5 पर एक महिला मरीज को देखने जा रहा हूं। और उस जूनियर डॉक्टर ने नर्स को ये भी बताया कि उसने मरीज को PRBC दिया है, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए हैं। इसीलिए इन सब बातों की वजह से उस जूनियर डॉक्टर के ऊपर भी सीबीआई की शक की सुई आ चुकी है। इसीलिए सीबीआई ने नर्स के साथ पूछताछ भी करी थी और सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में दो बड़ी बातें सामने आई है। पहला तो ये कि नर्स ने ऐसा कहा कि जूनियर डॉक्टर को उसने पहले कभी हॉस्पिटल में देखा नहीं था। और दूसरा खुलासा ये है कि जब उस नर्स ने डॉक्टर से उसका नाम पूछा तो उसने वो सवाल टाल दिए और अपना नाम नहीं बताया। इसी के साथ साथ एक और खबर ये भी है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें नर्स ने ऐसा कहा है कि जूनियर डॉक्टर करीब रात के 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिडेंट वार्ड में दाखिल हुआ था। उस वार्ड में आने के बाद उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। फिर नर्स ने पूछा तो जूनियर डॉक्टर ने ऐसा कहा कि वो PRBC ढूंढ रहा है क्योंकि उसे किसी मरीज को ये देना है। नर्स ने ऐसा बताया कि जूनियर डॉक्टर उस रात 2 बार मरीज के पास गया था और इस तरह उस रात करीब 2 बार वो जूनियर डॉक्टर मरीज के पास गया था और इसके बाद वो नहाने के लिए चली गया। ऐसी खबरें भी आ रही है कि उस वार्ड में एक और जूनियर डॉक्टर आया था। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है। उस दौरान दो डॉक्टर आए थे, उनमें से एक डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की चीख चीख कर तड़प तड़प कर करी गई। इसीलिए अब सवाल ये भी है कि भला उस डॉक्टर को उस बाथरूम में नहाने की जरूरत क्या पड़ गई और बाद में रेनोवेशन के नाम पे उस बाथरूम के साथ तोड़फोड़ भी करी गई। इसीलिए ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि ये सब कुछ करके संदीप घोष और हॉस्पिटल के बड़े बड़े स्टाफ ने सबूतों को मिटाने की साजिश रची है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर और शामिल है, जिनमें एक महिला जूनियर डॉक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। और तो और वो महिला जूनियर डॉक्टर पीड़िता की दोस्त भी बताई जा रही है। उस पर ये आरोप है कि उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर ट्रेनिंग डॉक्टर को तड़पा तड़पा कर मार दिया और फिर संजय रॉय को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। संजय रॉय से ऐसा कहा गया कि जाओ सेमिनार हॉल में, हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। इसके बाद संजय रॉय जाता है और फिर लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करता है। उस समय तक वो डॉक्टर जिंदा ही थी और अपनी आखिरी सांसों को गिन रही थी। इसी के साथ साथ संदीप घोष के ऊपर भी इस मामले में काफी बड़े बड़े आरोप लगे हैं। और अभी के समय जो सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है वो ये है कि संदीप घोष के शौक और ख्वाहिशें इतने चौंकाने वाले थे कि वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी छेड़ता था। जी हां दोस्तों, अभी के समय संदीप घोष को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि अभी के समय चाइना के अखबार से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और उस खबर की पुष्टि कोलकाता के डॉक्टरों ने भी करी है। संदीप घोष के ऊपर एक पुरुष नर्स ने ये आरोप लगाए थे कि संदीप घोष उनके साथ छेड़छाड़ करता था, जिसकी वजह से हांगकांग की अदालत में ये मामला पहुंच गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने 29 मई साल 2017 में संदीप घोष के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसके मुताबिक एक पुरुष नर्स ने संदीप घोष के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि याउमा तेई नाम की जगह पे स्थित एलिजाबेथ हॉस्पिटल में जब वो कपड़े बदल रहा था तो उस वक्त संदीप घोष ने उसके बाएं बट को कस के पकड़ लिया और उसे थपथपाने लग गया, जिसके बाद संदीप घोष ने उस लड़के के निजी अंग भी छुए और लड़के से ऐसा पूछा कि डू यू लाइक दिस, जिसकी वजह से हांगकांग की अदालत में ये मामला पहुंच गया था। हालांकि बाद में संदीप घोष ने इन आरोपों को झूठा बता दिया। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि संदीप घोष कितना गिरा हुआ आदमी है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय इस केस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि कोलकाता और केस में सीबीआई की जांच अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। अभी के समय इस केस में डीएनए रिपोर्ट के सैंपल्स को लेकर भी एक काफी बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले की डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ गई है और इस डीएनए रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि डीएनए की जो रिपोर्ट है वो सीबीआई के पास पहले ही आ गई थी, लेकिन उसे फाइनलाइज नहीं किया गया था और इसीलिए फाइनल ओपिनियन के लिए उस डीएनए रिपोर्ट को एम्स में भेजा गया, जिसके बाद एम्स के एक डॉक्टर के
पैनल ने डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया था। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं उनके मुताबिक अभी तक की इस पूरी जांच में यानी और मर्डर के केस में संजय रॉय ही शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी दूसरे शख्स की भूमिका इस डीएनए रिपोर्ट में सामने नहीं आई है। इसीलिए दोस्तों डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में करीब 100 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज किया था और तो और 10 लोगों के तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए गए जो कि सीबीआई की एसओपी का हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बयान संजय रॉय ने दिए थे उनमें और डीएनए रिपोर्ट में भी जमीन और आसमान का फर्क है। दोस्तों आपको बता दें कि पीड़िता के माता पिता का एक वीडियो अभी के समय सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इस पूरे मामले को अभी के समय और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। और ये जो सच अब हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपका भी पुलिस और प्रशासन के ऊपर से पूरा का पूरा विश्वास ही उड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों पीड़िता के माता पिता ने कोलकाता पुलिस के ऊपर काफी बड़े बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं। डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने कोलकाता पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके मामला दबाने का प्रयास किया था। डॉक्टर के पिता ने ऐसा कहा कि वो अपनी बेटी का शव कुछ समय के लिए रखना चाहते थे लेकिन उनके ऊपर और उनकी पूरी फैमिली पर काफी ज्यादा दबाव डाला गया और डॉक्टर का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करा दिया गया। और तो और पीड़िता के पिता ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने उन्हें एक तरफ ले जाकर पैसे देने की भी कोशिश करी थी और उस पुलिस ऑफिसर ने यह पैसे देने की कोशिश उस समय करी थी जब उनकी बेटी का शव पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार से पहले घर पर लाया गया था। पुलिस ने उनके माता पिता को इस केस को दबाने के लिए और जल्द से जल्द रफा दफा करने के लिए पीड़िता के माता पिता को पैसे देने की कोशिश करी थी और उनसे ये कहा गया कि ये पैसे लेकर वो समझौता कर ले। लेकिन पीड़िता के पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते थे इसीलिए उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। ये तमाम आरोप पीड़िता के पिता ने हाल ही में कोलकाता पुलिस के ऊपर लगाए हैं। संदीप घोष ने पहले तो इस पूरे मामले को खुदकुशी करार करने की पूरी कोशिश करी थी लेकिन उसमें वो असफल हो गया और जब इस पूरे मामले को संदीप घोष दबा नहीं पाया तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वो इस पूरे मामले से साफ सुथरा होकर बच कर निकल जाए। और कोलकाता की पुलिस ने भी संदीप घोष को बचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथों में सौंपा गया उसके बाद से संदीप घोष की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब तो सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी इस मामले में एंट्री मार ली है, क्योंकि अभी के समय ईडी संदीप घोष के उन तमाम ठिकानों पर जहां पे संदीप घोष और उसके वफादार आदमी अपने काले कारनामों को अंजाम देते थे उन जगहों पर छापा मार रही है। और ईडी और सीबीआई को संदीप घोष के खिलाफ कई सारे सबूत भी मिले हैं। संदीप घोष के मोबाइल से ऐसे ऐसे वीडियोस और चैट्स मिले हैं जिनकी वजह से संदीप घोष के तमाम ठिकानों के बारे में और उसके वफादार आदमियों के बारे में भी सीबीआई को पता चल चुका है। और तो और सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिनके नाम है सुरक्षा कर्मी अफसर अली, अस्पताल का विक्रेता बिप्लव सिंगा और सुमन हजारा। खबरों के मुताबिक ये लोग संदीप घोष के काफी बड़े वफादार थे जो कि संदीप घोष के साथ मिलकर उन तमाम इलीगल कामों को अंजाम देते थे। इसीलिए संदीप घोष के साथ साथ सीबीआई ने इन 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ साथ उस लेडी डॉक्टर के आखिरी पलों का वीडियो भी सामने आया जिसमें लेडी डॉक्टर की हालत बद से ज्यादा बदतर थी। अभी जो आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये वीडियो सेमिनार हॉल का है और ये वीडियो घटना के तुरंत बाद का है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से कई सारे लोगों की भीड़ घटना स्थल पर खड़ी हुई है और उस वीडियो में प्रिंसिपल से लेकर प्रिंसिपल का वकील देवाशीष सोम और कोलकाता पुलिस तक शामिल है। और इस वीडियो से ये बात तो साफ है कि घटना के बाद सबूतों को मिटाया गया और इसीलिए जरूर इस पूरे अपराध के पीछे किसी और बड़े आदमी का हाथ है जो अपने पैसे की पावर के चलते अभी तक बचा हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि संजय रॉय जैसे हवसी और शराबी आदमी को बचाने के लिए भला संदीप घोष, कोलकाता पुलिस और हॉस्पिटल के कर्मचारी इस तरीके से सबूतों को क्यों मिटाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये काम किसी बड़े आदमी का ही है इसीलिए इस तरीके से सबूतों को मिटाया गया। भले ही डीएनए रिपोर्ट में संजय रॉय का नाम सामने आयो लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस अपराध के पीछे सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय का ही हाथ हो। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, किस पूरे अपराध के पीछे कौन मास्टरमाइंड है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें।